विकास के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए ये तत्कालिक कारण है, ये वहाँ पर पिछले 3 से 4 सालों से वहाँ पर दमन का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर हर तरह की बंदिशें लगाई जा रही थी, और जब ये अभी जो इस हाइक का जो मामला हुआ या हॉस्टल्स में जो बंदिशें लगाई गई वो इमीडिएट पहुँच है। ये सिर्फ जेडी के स्टूडेंट्स का मामला नहीं है, ये पूरे देश में जो गरीब स्टूडेंट्स हैं या और भी जो मेरिटेरियस मेधावी स्टूडेंट्स हैं उनका ये मामला है। हम जहाँ ये बात उठाई जाती है कि 10 रुपये की फीस हो, हॉस्टल की फीस है जेडी की, वो 10 रुपये भी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और ये सिर्फ जेल में नहीं, जेल के बाहर तमाम जगह जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर एजुकेशन फ्री होना चाहिए। फ्री एजुकेशन हमारा राइट है, और ये कोई खराब में हमें नहीं दे रहे हैं। ये जो पब्लिक मनी है, हम लोग सारे लोग टैक्स पे कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स जो कलेक्शन होता है उसके से ही ये सारा कुछ चलता है, लेकिन हमारे गांव में जो किसान है, मजदूर है, जो सामान खरीदते हैं उस पर भी वो टैक्स देते हैं। तो ये और आने वाला जो समय है, बिल्कुल अगर ये स्थिति बरकरार रही तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जितने किसान हैं धीरे धीरे मजदूर में तब्दील हो जाएंगे, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट यहाँ पर फार्मिंग करेंगे, और वो दिन दूर नहीं। वो ऐसी स्थिति में हमें जेएनयू के साथ खड़े होना है, और उन्हें सरकार जो है वो चाहिए था कि पूरे देश में जेएनयू जैसी संस्थाएं जगह जगह कम से कम हर राज्य में एक खोलती, लेकिन यहाँ पर विडम्बना ये है कि जो एकमात्र शिक्षण संस्थान जेएनयू जो कि सोशल साइंस में वहाँ पर एजुकेशन इम्पार्ट होता था, उसको भी तबाह करने पर, उसको बर्बाद करने पर खुली हुई है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल सवाल करना भूल जाए। स्टूडेंट्स को हम जिस ढंग से चाहे उस ढंग से हम उन्हें मतलब कि नचाएंगे। तो ये थोड़ी सी बात है, और ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी, और आप लोग जोर से एक नारा लगाएं, जय हिंद जिंदाबाद।